इधर लखनऊ में 31 जुलाई को बारिश के दौरान एक लड़की के साथ हुई बदतमीजी के मामले में पवन यादव नाम के आरोपी के दावे पर घमासान मच गया, क्योंकि पवन यादव ने यह दावा किया कि जिस दिन वो घटना हुई थी वो वहां नहीं थे और उन्हें सिर्फ यादव समुदाय से आने की वजह से निशाना बनाया गया और उनके इसी दावे पर घमासान मच गया, जबकि पुलिस ने दावा किया कि पवन यादव उन लोगों में शामिल था जिन्होंने लड़की से बदतमीजी की थी। लखनऊ की सड़क पर हुड़दंग की वो घटना 31 जुलाई को हुई। उस रोज भारी बारिश के बाद गोमती नगर में ताज होटल के सामने पानी भर गया था। सड़क पर भरे पानी में करीब 25 से 30 लोग हुड़दंग कर रहे थे। तभी बाइक से एक लड़की अपने भाई के साथ वहां से गुजरती दिखी। लड़की को देखते ही हुड़दंगियों ने घेर कर उन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया था। उनसे बचने के चक्कर में वो दोनों गिर गए थे। आरोप है कि लड़की के गिरने के बाद हुड़दंगियों ने उनसे बदसलूकी की थी। इसी मामले में पुलिस ने 27 आरोपियों को पकड़ा था। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कुछ आरोपियों के नाम भी लिए थे, उनमें एक नाम पवन यादव का भी था। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, आप इस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। हालांकि पवन यादव ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन वो घटना हुई थी उस रोज वो वहां थे ही नहीं और उसी वजह से उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। पवन यादव ने लखनऊ पुलिस पर उन्हें साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया, जबकि लखनऊ पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया कि गोमती नगर इलाके में हुई उस घटना के दौरान पवन यादव भी दूसरे आरोपियों के साथ वहीं मौजूद थे और आरोप है कि वो भी लड़की से छेड़छाड़ करने वालों में शामिल था। 31 जुलाई को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने पवन यादव को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 6 दिन जेल में रहने के बाद वो हाल ही में जमानत पर बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव समुदाय के आने की वजह से ही उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। मैं वहां पे था ही नहीं उस दिन, बस यही सच्चाई है। क्या वजह रही, आप थे भी नहीं उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर साजिश के तहत कुछ समुदायों के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार से सभी हुड़दंगियों के नाम सार्वजनिक करने की अपील की। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। पवन यादव और अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद लखनऊ पुलिस की तरफ से भी इस पर बयान आया। पुलिस ने दावा किया कि सबूतों के आधार पर आरोपी पवन यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई। मतलब पुलिस ने पवन यादव को क्लीन चिट देने से साफ इनकार कर दिया।